Excellency, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब जरा हिसाब की बातें चल रही थी, हमारी सरकार तो हमारी सरकार, तो मैं भी बता दूं, 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने। देखिए स्वच्छता का दायरा 55 साल में 2014 तक 40% था, आज 4.5 साल के 55 साल के महीने के अंदर 98% क्रॉस कर रहा है। साढ़े चार साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। और जो लोग कहते हैं ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाए। वही मेरे अमीर है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है, उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए हार। गैस कनेक्शन 55 साल में, 55 साल में 12 करोड़ गैस कनेक्शन, और 55 महीने में 13 करोड़ गैस कनेक्शन, और उसमें 6 करोड़ उज्ज्वला। काम किस गति से होता है और किसके लिए होता है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबों के नाम की बातें की, राजनीति की, चुनाव जीतते गए, वोट बटोरते गए, लेकिन हमारे देश में 55 साल में 50% लोगों के बैंक के खाते थे, 55 महीने में अब वो 100% करने में हम यशस्वी हुए हैं। आपको तकलीफ होती है 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, और आप आंकड़ा देते हैं, यानी 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थी, 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थे, वहीं शुरू कर रहे हैं आप, वो बीसी और एडी वाली बात है। लेकिन अगर सचमुच में जिस गति से पिछले 55 महीने में सरकार चली है, आजादी के बाद इतनी रुकावटें नहीं थे, इतना विरोध नहीं था, इतने कानूनों की परेशानी नहीं थी, इतना मीडिया भी नहीं था, अगर उस समय आप चाहते काम करना तो पहले 2 दशक में हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंच जाती। ये काम जो 20 साल में होना चाहिए था वो मुझे आकर के पूरा करना पड़ा है, और इसलिए इतना ही नहीं आपका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपने तीनों मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम 3 साल के भीतर, 4 में कहा 3 साल के भीतर, आपने 9 में कहा 3 साल के भीतर, 14 में कहा 3 साल के भीतर हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, आपके मैनिफेस्टो में है बिजली पहुंचाएंगे। मैं हैरान हूं, वो गरीबी हटाओ तो आप एक्सटेंड करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी 3 साल, 2009 में भी 3 साल, 14 में भी 3 साल, और आज घरों में बिजली पहुंचाने की मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है, 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया, और आने वाले दिनों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने का गर्व हम प्राप्त करेंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आंकड़े झुठला नहीं सकते हैं।